2023 का साल जींद जिला पुलिस के लिए काफ़ी चेतावनी भरा रहा। जिला पुलिस ने इस साल सशस्त्र अधिनियम के तहत 109 आरोपियों को काबू करके कुल 98 अवैध असले, 155 कारतूस, 2 मैगजीन बरामद की। जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इस साल 2023 में 195 आरोपियों के कब्जे से जुए की राशि 17,15,645 रुपये पुलिस ने बरामद की। शराब तस्करी के मामले में 595 अभियुक्तों से 23,182.5 बोतल शराब, 7,870 लीटर लाहन, 4 चलती भट्टी सहित 90 किलो स्प्रिट बरामद हुआ। 2023 में जिला पुलिस द्वारा भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। जींद पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने साल 2023 में जिला जींद में अपराधों पर अंकुश लगाते हुए अनेक अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। उनकी टीमों को अनेक बार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार द्वारा भी अच्छे कार्यों को लेकर सम्मानित किया जा चुका है। साल 2023 में पुलिस कप्तान श्री सुमित कुमार के मार्गदर्शन में सभी क्राइम यूनिट व थानों की टीमों ने मिलकर जींद से अपराध को जड़ से समाप्त करने के प्रयास किए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आज जींद जिले में क्राइम ना के बराबर है। साल 2023 में जींद पुलिस द्वारा सशस्त्र अधिनियम के तहत 109 आरोपियों को काबू करके 115 मामले दर्ज किए गए व पकड़े गए आरोपियों से करीब 94 पिस्तौल, अवैध 1 रिवाल्वर, 1 गन, 2 राइफल, 155 कारतूस, 2 मैगजीन बरामद की गई। उन्हें काबू करके पुलिस ने अपराधियों के हौसलों को पलस्त किया है। जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए साल 2023 में 195 आरोपियों के खिलाफ 120 मामले पुलिस द्वारा दर्ज करके उनके कब्जे से जुए की राशि करीब 17,15,645 रुपये बरामद पुलिस द्वारा की गई है। साल 2023 के दौरान शराब तस्करी के 506 मामले दर्ज हुए, उनमें 595 अभियुक्तों से कुल 23,182 बोतल लगभग शराब बरामद की है। वहीं जिला पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाते हुए साल 2023 में 179 आरोपियों को कब्जे में लेकर 502 ग्राम हीरोइन, 16.8 किलोग्राम अफीम, 8.211 किलोग्राम चरस, 161 किलो गांजा, 1392.686 किलो बुक्की, 1,359 नशीली प्रतिबंधित टेबलेट, 7,509 बोतल सिरप व 235 नशीला पाउडर बरामद किया है। यह सब जानकारी पुलिस प्रवक्ता द्वारा आज दी गई।